नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ओर जहां हमें मृत्यु, पाप, कर्म, फल, दंड, मृत्यु के बाद की यात्रा, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे विषयों पर गहरा ज्ञान देता है, वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण हमें जीवन के बारे में भी सिखाता है। गरुड़ पुराण में ज्ञान विज्ञान, नीति नियम, धर्म और भक्ति का भी समावेश है। आज हम आपके लिए गरुड़ पुराण के 7000 उपलब्ध श्लोकों में से कुछ शिक्षा लेकर आए हैं, जो आपको कई समस्याओं पर विजय दिलाने में मदद करेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और गरुड़ पुराण से जुड़े दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, आजकल ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि अनेकों परिवारों को अपने कुलदेवी और कुलदेवता का पता ही नहीं होता है और कई लोग अपने पितरों का तर्पण भी नहीं करते हैं, जिससे उस परिवार में कई समस्याएं और संकट आने लगते हैं। इसलिए कुलदेवी और कुलदेवता की रोज पूजा करें और फिर पितृ पक्ष में अपने पितरों को खुश रखें। जो लोग अपने कुलदेवी और कुलदेवता को खुश रखते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट रखते हैं, उनके अनेकों बड़े बड़े संकट कुलदेवी और कुलदेवता टाल देते हैं। खाना हमेशा बिना चखे ही भगवान को अर्पित करना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन झूठा करना चाहिए। कभी भी अपने किचन में झूठा भोजन न रखें। इन सबसे माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है और कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। हमेशा अपने भोजन के साथ साथ दूसरे जीवों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए खाना बनाते समय पहली रोटी गाय की निकालें और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालें। पक्षियों को खाने के लिए दाना डालें, मछली को आटा डालें और चींटी को चीनी और आटा डालें। अन्नदान करना धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पुण्यदायी होता है। अन्नदान से अर्जित पुण्य हमारे अदृश्य दोषों को नष्ट कर हमारे परिवार को संकट से बचाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को भोग विलास में इतना भी नहीं डूबना चाहिए कि वह अपने कर्तव्य और धर्म को भूल जाए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी बड़े कार्य या सफलता पाने की शुरुआत अच्छे विचार और व्यवहार से होती है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को अपने सदाचार का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकटों को हरकर उन्हें सुख शांति प्रदान करते हैं। इसलिए सभी को प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। गरुड़ पुराण में एकादशी के व्रत की महिमा का बखान करते हुए बताया गया है कि जो भी इस व्रत को करता है वह सभी प्रकार के संकटों से बचा रहता है। एकादशी व्रत में फलाहार करना चाहिए और भोग विलास से बचना चाहिए। एकादशी व्रत करने से चंद्रमा का कैसा भी बुरा प्रभाव हो वह खत्म हो जाता है। संसार की सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा नदी का पूजन करना चाहिए। गंगा नदी सफलता की जननी कही जाती है और कभी भी गंगा नदी का किसी भी तरह से अपमान करने से व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे हमें सफलता की प्राप्ति होती है और सारे रुके हुए काम बन जाते हैं। तुलसी को भोग के रूप में लेने से सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के बाद माँ तुलसी की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कभी भी किसी ज्ञानी व्यक्ति का अपमान नहीं करें, हमेशा उनका सम्मान करें। जो लोग ज्ञानियों का सम्मान करते हैं वे लोग सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कभी भी किसी का या कोई भी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में गंदा काम करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, किसी के उपकार के बदले उसको गाली देते हैं या उनका फायदा उठाते हैं, धर्म, वेद पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उन्हें नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार हमें हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए। भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भोजन से ही व्यक्ति स्वस्थ रहता है और भोजन से ही व्यक्ति रोगी भी हो सकता है। इसलिए हमेशा संतुलित भोजन करें जो आसानी से पच जाए। किसी भी कला, ज्ञान या विद्या में पारंगत होने के लिए उसका बार बार अभ्यास करें। ज्ञानी लोग जो भी नया सीखते हैं उसको पक्का करने के लिए उसका अभ्यास भी करते हैं। इसलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। इसका अर्थ होता है, जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से
पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है तो बार बार अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है और सौभाग्य भी चला जाता है, जिससे वहाँ दरिद्रता का निवास हो जाता है। जो धनवान लोग भी गंदे कपड़े पहनते हैं उनका धन भी धीमे धीमे नष्ट होने लगता है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहनें। गरुड़ पुराण के नीति सार में लिखा है कि अपने दुश्मनों से निपटने के लिए संयम और चतुरता का सहारा लें। हमारे दुश्मन हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढते हैं। अगर हम चतुर नहीं बनेंगे तो मुश्किलों में पड़ जाएंगे, इसलिए चतुराई से हमेशा अपने दुश्मन को अपने नियंत्रण में रखें। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पहले आप कौन सी शिक्षा अपने जीवन में उतारेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें, और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।